आज हो गई है 7 फरवरी की तारीख। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 877वां एपिसोड और दिन भर की सबसे बड़ी आईपीएल ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर परोसने वाला हूं। कई सारी खबरें कई बड़ी टीमों के लिए निकल कर आई हैं, कई ब्रेकिंग न्यूज है। आईपीएल में सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं, तो एंड तक वीडियो को देखना, डिटेल में हर खबर पर बात करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया हो वीडियो को तो यार देर मत करो। आईपीएल की तमाम न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरी सबसे पहले हर रोज लाते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट दबाइए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं दिनभर की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। तो अब 3 नहीं 5 टीमों ने कैंप की शुरुआत कर दी है। दरअसल कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सीएसके, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीमों ने अपने अपने कैंप लगाए हैं, लेकिन अब रिपोर्ट यह है कि दिल्ली की टीम का भी कैंप लग चुका है और दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है उन्होंने कोलकाता में अपना कैंप लगाया है। तो वहीं पंजाब किंग्स की टीम का भी जो कैंप है, क्रिकेट कैंप है, प्रैक्टिस कैंप है, वो शुरू हो चुका है मोहाली में। तो जाहिर है आईपीएल से पहले अब ये शुरुआती 5 टीमें हैं जिन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर ली। अब इनमें से आप किसको सपोर्ट करते हैं कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और आपकी फेवरेट टीम इस साल के आईपीएल के लिए कौन सी रहेगी भैया, सपोर्ट दिखाओ कॉमेंट बॉक्स नीचे फटाफट लिखकर बताओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से। तो अरुण धूमल ने कुछ कंफर्मेशन दी है और ये वही बात कह रहे हैं जो कि पिछले 3-4 दिनों से मैं अपनी वीडियोस में बता रहा हूं। अरुण धूमल जो कि इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन हैं, कंफर्म किया है पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में कि 4 से 26 मार्च के बीच आईपीएल 2023 से तुरंत पहले वुमेन्स आईपीएल होगा। इससे ये साफ हो गया है कि आईपीएल के जो मैचेस हैं वो 26 तारीख के बाद शुरू होंगे, जो मुख्य मेल मैन आईपीएल होता है। तो वही वुमेन्स आईपीएल को लेकर जो हम लगातार कह रहे थे कि 4 से 26 तारीख के बीच मुंबई के 2 मैदानों में होने वाला है पूरा टूर्नामेंट, वो भी कंफर्म हुआ है। तो धूमल की इस खबर पर और हमारी इस 3 दिन पहले ही दे दी गई ब्रेकिंग न्यूज पर एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की। तो जियो को टक्कर देने की तैयारी स्टार वालों ने कर ली है, क्योंकि लगातार पिछले 1 हफ्ते से जियो वाले ऐलान पर ऐलान कर रहे थे। ये बात भी कह रहे थे कि इस बार का आईपीएल लोग जियो पर ज्यादा देखेंगे और टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर नहीं देखेंगे। इसको टक्कर देने के लिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने ऐलान किया है कि वो बहुत जल्दी आईपीएल से पहले मेटावर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाले हैं। ये आईपीएल में पहली बार होगा कि मेटावर्स लॉन्च होगा। अब आपको बता दूं कि ये किस तरह से काम करता है मेटावर्स और आईपीएल में इसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये तो जब ये लॉन्च होगा तभी हमें पता लगेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि इस बार का आईपीएल कॉम्पिटिशन, जियो और स्टार के कॉम्पिटिशन के कारण बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, और इस कॉम्पिटिशन से फायदा हमारा हो रहा है तो लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की चौथी बड़ी खबर की। तो महेंद्र सिंह धोनी वापस पहुंच गए रांची। अपनी टीवीएस अपाचे बाइक से महेंद्र सिंह धोनी अपने घर से स्टेडियम जाते हुए देखे, पिक्चर वायरल हो रही है कल से, तस्वीर जरूर देखिए। इससे यह पता लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी दूसरे खिलाड़ियों जैसे नहीं है और अपने गृह नगर रांची में जाकर वो वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कोई आम इंसान करता है, और धोनी की यही सादगी दूसरे खिलाड़ियों से उन्हें अलग और दुनिया का शायद सबसे सफल कप्तानों में से एक उन्हें बनाती है। तो महेंद्र सिंह धोनी की इन तस्वीरों के लिए और आईपीएल से पहले रांची में लगे चेन्नई सुपर किंग्स के इस कैंप पर आपकी क्या राय है, वो सब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिनभर की पांचवी बड़ी खबर की। तो 3 बड़े फैसले आएंगे इस हफ्ते आईपीएल को लेकर, और ये 3 बड़े फैसले 2 टीमों के लिए बहुत अहम रहने वाले हैं। दिल्ली और एसआरएच को लेकर ये 3 महत्वपूर्ण फैसले आने वाले हैं। तो क्या-क्या फैसले आएंगे चलिए वीडियो में आगे देख लेते हैं। बात करते हैं दिनभर की छठवीं बड़ी खबर की। तो दिल्ली को लेकर क्या-क्या खबरें हैं और इस हफ्ते क्या-क्या फैसले आएंगे वो सुन लीजिए। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स बीसीसीआई ने कहा है कि आप अपने स्क्वाड को लेकर फाइनल ऐलान कीजिए, क्योंकि ऋषभ पंत इस समय मौजूद नहीं है और ऋषभ पंत की या तो रिप्लेसमेंट की घोषणा की जाए जल्द से जल्द, या फिर दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान की घोषणा कर दी जाए। दरअसल दिल्ली की टीम हो सकता है कि ऋषभ पंत की कोई रिप्लेसमेंट ना चुने, लेकिन इन्हें कप्तान का तो इस हफ्ते ऐलान करना पड़ेगा, और रिपोर्टेडली डेविड वार्नर का नाम ही सबसे ऊपर है, क्योंकि हमें पता है कि डेविड वार्नर के अलावा इस समय दिल्ली के पास ऐसा कोई है नहीं जो कि कप्तानी कर सके सिर्फ इस साल के आईपीएल के लिए। तो ऋषभ पंत की रिप्लेसमेंट होना हो, उसका ऐलान हो, और दिल्ली के लिए दूसरी बड़ी खबर यह निकल कर आएगी कि इनके नए कप्तान का ऐलान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की यहां से बात करते हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद को लेकर भी खबरें निकल कर आएंगी, और रिपोर्ट यह है कि इस हफ्ते सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से कहा गया है कि आप अपने कप्तान का ऐलान कीजिए। सनराइजर्स हैदराबाद के हवाले से बहुत ही स्ट्रांग रिपोर्ट और सोर्सेस के हवाले
से ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि आइडन मार्करम ही इनके अगले साल के लिए कप्तान होंगे, लेकिन अभी तक एसआरएच की टीम ने ऑफिशियल घोषणा नहीं की है और बीसीसीआई ने साफ कहा है कि आपको अपने कप्तान बताना पड़ेगा। तो जाहिर है इस हफ्ते हो सकता है कि मार्करम के नाम पर मोहर लग जाए, फाइनल अनाउंसमेंट एसआरएच भी कर दे। तो जाहिर है कि ये जो तीन बड़ी खबरें, दिल्ली का जो रिप्लेसमेंट है ऋषभ पंत का, दिल्ली का कप्तान और एसआरएच का कप्तान है, ये तीन महत्वपूर्ण खबरें इस हफ्ते हमें आती हुई दिखेगी। अब इस खबर से आप कितने एक्साइटेड हैं, आपके हिसाब से दिल्ली का और एसआरएच का कप्तान कौन होगा, कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर बताइए, क्योंकि हमने जो सोचा है वो तो सोचा है पर आईपीएल में कुछ भी हो सकता है और ये हमने देखा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिनभर की आठवीं बड़ी खबर की। तो सौरव गांगुली ने आईपीएल का लगातार जो कंपैरिजन दुनिया भर के फॉर्मर प्लेयर्स कर रहे हैं उस पर एक बात कह दी। उन्होंने कह दिया, आईपीएल इज इन अ डिफरेंट इकोसिस्टम अमंग ऑल द लीग्स इन द वर्ल्ड। दरअसल आईपीएल एक अलग ही इकोसिस्टम पर जो है इस समय खेल रहा है और इसीलिए आईपीएल का किसी भी दुनिया की लीग से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सौरव गांगुली ने कंफर्म किया कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो जिस पैमाने का इस समय क्रिकेट चला रहा है वो दुनिया की बाकी लीगें मिलकर भी नहीं चला सकती। और गांगुली की इस बात से मैं तो 1000% सहमत हूँ, क्योंकि हमें पता है कि ये जो फॉर्मर प्लेयर्स जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की, लेकिन हमें यह भी पता है कि वो लोग जलते भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नौवीं बड़ी खबर वुमेन्स आईपीएल और हरमनप्रीत कौर के हवाले से निकल कर आ रही है। हरमनप्रीत कौर ने वुमेन्स आईपीएल पर बड़ा ऐलान किया और बड़ी बात की। उन्होंने कहा, आफ्टर द आईपीएल वी डोंट सी दैट प्रेशर ऑन द प्लेयर्स। आईपीएल जो वुमेन्स आईपीएल शुरू हो जाएगा उसके बाद हमें महिला खिलाड़ियों के ऊपर वो प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल जब ये मेन्स आईपीएल नहीं होता था ना तो खिलाड़ियों पर बहुत प्रेशर होता था, क्योंकि अगर भारतीय टीम से बाहर हुए तो पैसे कमाने के जरिए बहुत ही लिमिटेड हो जाते थे और खिलाड़ी उतना पैसा नहीं बना पाते थे और बहुत ही नॉर्मल जीवन जीते थे। लेकिन आईपीएल के आने से ये हुआ कि अगर खिलाड़ी इंडियन टीम से बाहर भी हो जाता है तो भी उसे पता है कि उसे 1-2-3-5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल से मिल जाएगा और वो बहुत ही बेटर लाइफ जी लेगा। तो जाहिर है खिलाड़ियों के ऊपर से टेंशन चला जाता है, खिलाड़ियों के ऊपर से इनसिक्योरिटीज चली जाती है और हरमनप्रीत कौर भी यही बात कह रही है कि वुमेन्स आईपीएल आने के बाद महिला खिलाड़ियों के साथ भी यही होगा। और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो और इसी चीज़ के लिए, इसी इंडियन प्रीमियर लीग इसी बात के लिए एक लाइक तो बनता भैया। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया हो ना वीडियो को तो कर देना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग खबरें निकल कर आई है स्पेशली वुमेन्स आईपीएल और अगले 7 दिन हफ्ते भर को लेकर। आगे बढ़ते हैं दसवीं बड़ी खबर की दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने कैंप तो शुरू किया बट खबरें ये आ रही है कि कैंप कलकत्ते में शुरू हुआ। दरअसल सौरव गांगुली के सुपरविजन में कोलकाता में दिल्ली की टीम ने अपना कैंप लगाया है। ये दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इनका कैंप कोलकाता में लगा है। आपको बता दूं एक चीज कि सौरव गांगुली इनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, वो कोलकाता से आते हैं, वो इस समय कोलकाता में ही स्टे कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि दिल्ली का कैंप भी कलकत्ते में ही लग जाए और इसीलिए कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स का कैंप लगाया गया है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया दिल्ली का कैंप कलकत्ते क्यों लगा है, तो उसका कारण बता दिया। ये थी दिनभर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी खबर अच्छी लग रही भैया, कौन सी नहीं, क्यों। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक शेयर कर दो अपने हर आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ और सब्सक्राइब नहीं किया होना तो तमाम रिपोर्ट सबसे पहले आईपीएल से जुड़ी हुई लाते हैं। सब्सक्राइब का बटन भी नीचे दिख रहा होगा, फटाफट दबाइए और बेल आइकन दबाइए।